हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के साथ बहुत ही यम्मी नाश्ता शेयर करने वाले हैं, तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते बनाना। तो यहाँ पर हम बिस्किट से नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 5 पैकेट जीरा वाला बिस्किट लिए, बिस्किट का रेपर हटा लेंगे और उसके बाद बिस्किट निकाल लेंगे। एक पैकेट में 10 बिस्किट रहता है, तो 25 बिस्किट से हम ये नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सारा ही निकाल लिए हैं। जीरा वाला बिस्किट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो नमकीन बिस्किट से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बिस्किट को हाथ से मसलते हुए पाउडर बना लिए हैं। अब इसमें हम उबला हुआ आलू डालेंगे। आलू को पहले से उबाल के रखे थे, ठंडा हो गया। अब आलू को हम कद्दूकस करके डालेंगे। 6 से 7 आलू लिए हैं मीडियम साइज का। तो यहाँ पर आलू हो गया कद्दूकस किया हुआ। अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ एक बीट डालेंगे, एक गाजर कद्दूकस किए थे उसको भी डालेंगे। बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च डालेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज मीडियम साइज का एक डालेंगे। अदरक कद्दूकस किया हुआ डालेंगे थोड़ा, और इसके बाद फिर स्वाद के अनुसार नमक, काला नमक डालेंगे थोड़ा। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, कुटा हुआ मिर्ची 1 चम्मच डालेंगे, और भुना हुआ सेवई डालेंगे, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे, और फिर अच्छी तरह से सारी चीज़ को मिक्स करेंगे। इस तरह से नाश्ता बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएंगे। बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी इसी तरह से ट्राई ज़रूर से करें, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो यहाँ पर हम बिस्किट कटलेट बना रहे हैं। तो डो को अच्छी तरह से सख्त डो बना लिए थे, यहाँ पर हम सारा रेडी कर लिए हैं। फिर यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम 3 छोटा चम्मच मैदा डालेंगे। तो यहाँ पर हम 3 छोटा चम्मच मैदा डाल लिए हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत गाढ़ा घोल नहीं बनाना, पतला ही घोल तैयार करना है। घोल रेडी हो गया। अब इधर हम मैदा लिए हैं 2 चम्मच और थोड़ा सा पतला वाला सेवई लिए हैं बिना भुना हुआ। इसके बाद हम कटलेट को मैदा वाला घोल में डिप करेंगे। इसके बाद उसमें हम कोटिंग करेंगे सेवई और मैदा वाला मिक्सर में। तो इस तरीके से हम अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे मैदा वाला मिक्सर में। और तो देख सकते हैं इस तरह से हम कर लिए हैं सारा। अब सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कच्चे आम पुदीना और धनिया पत्ती की चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आम काट कर ले लिए हैं, उसके बाद धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, 2 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियाँ, स्वाद के अनुसार नमक और काला नमक, और भुना हुआ धनिया पाउडर डालकर पेस्ट बना लेंगे। तो चटनी बनके हो गया रेडी। इसमें थोड़ा सरसों तेल डालकर मिक्स करेंगे। चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अब हम कटलेट को फ्राई करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम कटलेट डालकर फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करके ही फ्राई करेंगे और उलटाते पलटाते हुए, तो कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है फ्राई होने में। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुका है और फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसी तरह से हम सारा फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो यहाँ पर हम सारा फ्राई कर लिए हैं, तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। तो यहाँ पर हम सर्व करेंगे हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ। तो आप लोग भी इसी तरह से ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगती है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।